ये सरकार अपने कान खोल के कान में तेल डाल ले कि अगर वो ऐसे इसी पर रही ना तो हम उसका बहुत नुकसान कर देंगे। हम तो न्याय के लिए ही आए हुए हैं और इनको न्याय दिलाते ही जाएंगे। रद्द नहीं करवा लिए ना तब तक माफी नहीं करवा दी। यही काम ये सेकंड पार्ट है, एक सीट बचाने की कोशिश में वो 100 सीट होगी। हम ऐसे तो है नहीं कैसे चुपचाप बैठ जाएंगे। हमारा आंदोलन देखो जम्मू कश्मीर से लेके और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं सब में चलेगा। वो बनाए जा रहे हैं, ये कम्युनिटी का बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ी है, खिलाड़ी सबका होता है, पूरे देश का होता है। व्यापारी है वो दुखी है, नौकरता है वो दुखी है, और किसान है वो दुखी है। कोई भी संतोष नहीं लग रहा है इससे। देखो मैडम, हम तो न्याय के लिए ही आए हुए हैं और इनको न्याय दिलाते ही जाएंगे। आपने पहले भी देखा था हमें, जब किसान हम बन के आए थे, हम अपने तीनों कार्यकर्ताओं को रद्द कराने आए थे, तो आप कह रहे थे 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में चले ही जाएंगे, परेशान होते हैं, समझ गए। हम तब तक नहीं उठेंगे, तब तक जैसे हमारा वो रद्द नहीं करवा लिए ना तब तक माफी नहीं करवा दी। यही काम ये सेकंड पार्ट है, तब तक कोई जाएगा नहीं। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हमारे ये मांग पूरी नहीं होगी, और दूसरी बात उसको तब तक इंक्वायरी भी हो, और इंक्वायरी होने के बाद जब तक जेल नहीं जाता। ये कोई आम महिलाएं नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट है, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? देखो सरकार को तो ये है, उसको एक एक आगे आने वाले चुनाव में एक एक सीट का उसको जरूरत पड़ेगी, और कैसरगंज के आस पास पूर्वांचल में 2-3 सीटों पर इनका प्रभाव है, जो सांसद जी है। तो सांसद जी को भी ये देखना पड़ेगा हर हाल में कि देखो, अगर सरकार को अपने ऐसे कर करके एक एक आदमी को बचाती रही हो, जैसे टैनी को बचाया था उन्होंने, 120 बीघे मुजरिम थे, अब इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे सरकार थोड़ी बनती है। सरकार तो अगर वो चाहेगी तो एक सीट बचाने की कोशिश में वो 100 सीट होगी, क्योंकि हमारे हम ऐसे तो है नहीं कैसे चुपचाप बैठ जाएंगे। हमारा आंदोलन देखो जम्मू कश्मीर से लेके और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं सब में चलेगा, बिहार भी चलेगा और मध्य प्रदेश में भी चलेगा, राजस्थान में भी चलेगा, क्योंकि हमारी हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, क्योंकि हमारी कम्युनिटी सब जगह है। और जो इस आंदोलन को ना, इन बच्चियों के जो आंदोलन है, इनको वो बनाए जा रहे हैं, ये कम्युनिटी का बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ी है, खिलाड़ी सबका होता है, पूरे देश का होता है, मेडल लाता है वो सबके लिए लाता है, देश का गर्व होता है, देश का मान सम्मान बढ़ाता है। तो इन्होंने तो ये उसको ये काट का बना के अपना ये कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। न्यायाधी के साथ में अन्याय तो कर ही रहे हैं, और जो टॉर्चर किया है इनके साथ, बच्चियों के साथ में, अब 15 साल से डिप्रेशन में, 10-12 साल से तो है ही, जिसकी मेरे हिसाब से 10-12 साल से कम किसी को भी नहीं हुआ है। जो नई बच्ची आ रही है उसको भी देखो, पॉक्सो एक्ट लगा है ना, तो आप बताओ किस तरह का इनको मिसयूज किया जाएगा। और ये हमारी शान है, आनवान शान है और इज्जत है हमारे घर की। तो हमारी बच्चियाँ, हम पर जितना कोशिश होगा हम इनके साथ देंगे, क्योंकि हमारी साफ पंचायत यूनियन है, किसान यूनियन की तरफ से अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा, हमारी अभी मीटिंग हुई है हरकिशन लाल सिंह चौधरी भवन में, वहाँ से आके हमने एक प्रस्ताव पास किया है कि हम इनको भरपूर समर्थन देंगे और हम इनके साथ रहेंगे। अभी थोड़ी देर में 4 बजे के लगभग हमारा सारा संयुक्त किसान मोर्चा यहीं अंदर मंदिर आने वाला है। देखो गिरफ्तारी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि वो एक सीट बचाने की कोशिश करेगा, हम 100 सीट उसकी छीन लेंगे। अगर ये सरकार अपने कान खोल के कान में तेल डाल ले कि अगर वो ऐसे इसी पर रही ना तो हम उसका बहुत नुकसान कर देंगे, क्योंकि पहले ही हम उनसे खपा, तो पहले ही किसान है, किसान वर्ग पूरा ही खपा है, मजदूर वर्ग पूरा खपा है, ओबीसी खपा है, SC खपा है और माइनॉरिटी खपा है, इसमें तो मतलब कोई भी दुखी कहीं भी देखो, कोई व्यापारी है वो दुखी है, नौकरता है वो दुखी है, और किसान है वो दुखी है, कोई भी संतोष नहीं लग रहा है इससे। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें देखो संभलना पड़ेगा हर हाल में, और हमारी मांगों को पूरा करते हुए जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो
हाँ यही तो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा था, हम जब पहले ये आई थी तब भी इनके साथ ही लगे थे, तो तभी पहले ही हमें आवाज़ हो गया था, महसूस हो गया था कि बिना सुप्रीम कोर्ट की ये FIR दर्ज नहीं करेगी दिल्ली में, और ये परेशान वही काम करते जा रहे हैं, अब फिर उसी ट्रैक पर जा रहे हैं जैसे किसानों के साथ में किया था, पानी काट दिया, बिजली काट दी, ऐसे ही इनके खिलाड़ियों के साथ में लेट नाइट कर देते हैं ये, जब यहाँ से सब लोग हम चले जाते हैं तो उसके बाद में कर देते हैं। हम अवेयर करना चाहते हैं उस सरकार को भी कि सरकार या तो चेंज जाए, नहीं तो अपना बहुत नुकसान करा देगी हमारे किसानों को। हाँ हाँ, हम 2024 पूरा फुल पावर से हम करेंगे, और हम ये सरकार को बताना भी चाहते हैं, वही ट्रैक्टर 5 लाख ट्रैक्टर अभी भी दिल्ली के आसपास है, और हम भी वहीं हैं, हम कहीं गए नहीं है, 5 करोड़ लोग हम बिल्कुल अलर्ट में हैं, और जो भी देखो सरकार अगर इनके साथ में कोई अन्याय करती है या उसको ढेर नहीं है, इससे तो हम पूरा अपना आंदोलन को तेज करेंगे। अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तो ये आंदोलन तीव्र करेंगे। इस खबर पर